नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है यूपी एपीओ 2022 का, जिसमें सौम्या अग्रवाल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से हैं और इन्होंने 13वीं रैंक अभी सिक्योर करी है। सौम्या जी, टारगेट 4 आईक्यू की तरफ से आपको मैं सबसे पहले शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। तो आपको कैसा लग रहा है अभी रिजल्ट आने के बाद? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगा यकीन करने में। बिल्कुल। लेकिन जब यकीन हुआ तो बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ओके, तो आपकी यहाँ रैंक, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे साथियों को जो हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक एज ए इंट्रो आप बताइएगा। सर, मैं हमेशा से मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी सारी स्कूलिंग यहीं से पूरी हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके ठीक बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना लॉ पूरा किया, जहाँ से मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने ग्रेजुएशन की अपनी एलएलबी में। और उसके बाद मैं बस उसे तैयारी में लग गई। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। ये सोच लिया था कि ऑफिसर बनना है, चाहे किसी भी फील्ड में बनूं, लेकिन ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने एकेडमिक आपने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा इसे और ब्रीफ में बताइएगा कि आपने कब ये डिसाइड करा कि मेरे को जुडिशरी में जाना है। शायद आप मुझे बता रही थी पहले कि जुडिशरी से पहले आप एग्जीक्यूटिव सर्विस में जाना चाहती थी, पर वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं हो पाया। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि जुडिशरी में आपने खासकर एपीओ में क्या देखा जो आपने यहाँ पर इसकी रणनीति को अपनाया? जी सर, जब मैं दिल्ली आई थी तो मेरे माँ बाप का सपना था एक्चुअली कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहा। और मेरी भी समाज सेवा करने की हमेशा से इच्छा रही कि मैं कुछ करूं अपने नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मैंने लॉ कंप्लीट किया, मेरा ऑटोमेटिकली लॉ में एक अलग ही एक रुझान पैदा हुआ। मुझे लगा कि अब कोई भी सर्विसेज करनी है लेकिन लॉ उसका पार्ट होना चाहिए। तो मैंने उसके बाद जब मैंने 2 अटेम्प्ट दिए अपने यूपीएससी के और उसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो उसके बाद पूरी तरह मैंने अपने आप को फोकस कर लिया टुवर्ड्स लीगल सर्विसेज। इस बीच कुछ टाइम मैं कोर्ट भी गई, मैंने थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस में भी दिया, जस्ट टू गेट टू नो कि किस तरह का माहौल कोर्ट में मिलता है। हालांकि मेरा हमेशा से सपना जुडिशियल ऑफिसर बनने का ही था। वेरी गुड। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जाना सौम्या जी के बारे में। अच्छा सौम्या जी, अब जैसे एपीओ का एग्जाम था, तो फिर इसकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? प्रीलिम्स में आपने क्या करा, मेंस में आपने क्या किया, एंड आफ्टर दैट फिर इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? प्यारे साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, सौम्या जी टारगेट 4 आईक्यू के इंटरव्यू ऑनलाइन जो हम लोगों ने मॉक कराए थे, मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं, और इसी के तहत इनकी जो रैंक है वो 13 रैंक जो है आई है। तो सौम्या जी, आप पहले प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि ऐसे वो साथी जो तैयारी में कर रहे हैं, आपके क्या सोर्सेज रहे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति रही आपकी? सर, जैसे कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं प्रीलिम्स के लिए, इसमें हमें 2 पेपर तैयार करने होते हैं, जिसमें हमें पहला पेपर जीके का होता है 50 मार्क्स का, और उसके बाद हमारा एक 100 मार्क्स का लॉ का पेपर होता है। सर, लॉ के स्टूडेंट के लिए लॉ पढ़ना बहुत आसान होता है, उतना ही मुश्किल जीके पढ़ना होता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए जीके मुश्किल था, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक तो यूपीएससी जी सर कर चुकी थी तैयार, यूपीएससी की वजह से मेरा एक ऑलरेडी एक बैकग्राउंड तैयार था, मुझे उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़े और वहाँ मुझे थोड़ी एज मिल गई शायद इसकी वजह से। लेकिन जो स्टूडेंट्स यूपीएससी नहीं करते हैं या जिनका पहले से बैकग्राउंड तैयार नहीं है, उनके लिए सर मैं बताना चाहूंगी कि अगर वो बेसिक जीके भी पढ़ लें, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी तो क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से कवर हो जाता है, अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी वो बेसिक सिर्फ एनसीईआरटी से कवर कर लें, और उसके अलावा सर आपका टारगेट फॉर आईक्यू से मुझे बहुत हेल्प हुई, जिस तरह सर आपने जीके के आप लोग कंडक्ट करवाते हैं सेशंस, उससे मुझे पीटी में स्पेशली बहुत हेल्प हुई। हम लोगों ने जो रैपिड रिवीजन करके जी सर चलाई थी। जी सर, उससे सर कम टाइम में एक बहुत इंटेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाता है। वेरी गुड। तो सर उससे बहुत हेल्प हुई है। एंड जैसे प्री में रहा, लॉ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब बेयर एक्ट रीडिंग जरूरी है या पहले नोट्स बनाने जरूरी है? अब अक्सर ये क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, तो आपका क्या तरीका था लॉ पढ़ने का? सर, मेरा पर्सनली ये तरीका है कि मैं हमेशा नोट्स मेकिंग में बिलीव करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाती हूँ, रफ नोट्स बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मेरा मानना है कि नोट्स आपके लिए बहुत हैंडी प्रूफ होते हैं, और
इसके लिए सर मैंने वेयरएक्स पे मोस्टली फोकस किया है क्योंकि 90% ऑफ द पेपर हमारा विल कम फ्रॉम वेयरएक्स ओनली। तो जब हम वेयरएक्स से सेक्शंस पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि अगर हम उसे थोड़े बुलेट पॉइंट्स में अपना लिख लें तो हमें लास्ट मिनट रिविजन में वो बहुत हेल्प करते हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मोस्टली हेल्पफुल रहते हैं। तो प्यारे साथियों, सौम्या जी ने बताया कि वेयरएक्स के यदि आप बुलेट्स बना के लिख लेंगे अपनी इजी लैंग्वेज में तो आपको रिविजन करने में जो है ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, फिर चलिए तो प्रीलिम्स की बात होगी, फिर आपने मेंस के लिए क्या क्या तैयारी की, क्या रणनीति रही आपकी? सर जैसा हम जानते हैं कि मेंस में हमारे पास अगेन 4 पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स ईच, जिसमें सर एक पूरा पेपर ही हमारा जीके जीएस का होता है और सर वो अपने आप में इतना एक्सटेंसिव पेपर है कि हमें नहीं पता कि कहाँ से वो पूछेंगे। वो तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी वाला ही आ गया। जी सर, बिल्कुल सर, और वो बहुत एज इसमें होल्ड करता है, वेटेज होल्ड करता है क्योंकि वो अपने आप में एक सेपरेट पेपर है 100 मार्क्स का, तो उसे हम एज अ लॉ स्टूडेंट इग्नोर नहीं कर सकते ना। जी सर, उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली यही रही कि मैंने बेसिकली उसके लिए जो मेरा अगेन यूपीएससी के जो मेरे अपने नोट्स बनाए हुए थे वो तो हेल्पफुल रहे ही, मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि मोस्टली पेपर वहां कवर हो जाता है और मोस्टली मेरा फोकस सर जीके के पेपर में करंट अफेयर्स पे था। जी सर, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को मैंने मोस्टली फोकस किया जिसके लिए मैंने थोड़ा नोट्स मेकिंग भी करी और ऑनलाइन सोर्सेज से मुझे इसमें बहुत हेल्प हुई है। सर जैसे आपका ही टारगेट फॉर आईक्यू से मुझे बहुत हेल्प हुई है, उसके अलावा सर जीके टुडे डॉट इन आता है, उस साइट से मुझे बहुत हेल्प हुई है। तो सर इस तरह के रैंडम सोर्सेज को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़कर उससे अपने तैयारी की है, नॉट वन पर्टिकुलर सोर्स। एंड मेंस के लिए सर, मेंस में लॉ पेपर के लिए? जी सर, इसमें सर लॉ हमारा सिलेबस तो कम होता है लेकिन वो भी बहुत एक्सटेंसिवली हमें पढ़ना होता है बिकॉज इट इंक्लूड्स क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सर इसके लिए मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए डायरेक्ट पे पूरा फोकस बनाए रखा और जैसे मैंने बताया था कि सर मैंने प्रीलिम्स के लिए जो बुलेट पॉइंट्स तैयार किए थे उन्हीं को थोड़ा सा और एक्सटेंशन देकर मैंने मेंस के लिए तैयार किया। जी सर, और सर उसके साथ मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी हैं क्योंकि बुक्स पढ़ने का ना तो हमारे पास टाइम होता है और ना ही हम इतना याद रख पाते हैं। तो मेरा फोकस था अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स पर ही मैंने उसको फोकस किया एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैं कहना चाहूंगी सर दे होल्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर से हमें सर एक आइडिया मिल जाता है दैट हाउ टू गो अबाउट इट। तो सर लॉ में मेरी प्रिपरेशन में मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर्स ने बहुत हेल्प किया है। वेरी गुड। अच्छा, कोई एक बात केवल एक शब्द में आप बच्चों को मैसेज करना चाहेंगे कि मेंस में इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऐसी वो कौन सी बात होगी? सर मैं ये बोलना चाहूंगी मेंस के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स बना लें तो हमें लास्ट मिनट के रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाती है और अगर हमने वो रिवीजन नहीं किया तो फिर पेपर नहीं लिख पाएंगे हम, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो रिविजन इज मस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर तो फिर आपने नोट्स बनाए तो इसके आप चाहें तो बता सकते हैं जैसे बुक्स, नोट्स, सोर्सेस क्या क्या रहे आपके ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो क्या किन किन सोर्सेज से आपने इसको यूज करा या फिर लॉ के लिए ऐसी कौन सी बुक है जिन्हें आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये बेस्ट बुकें हैं फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट? सर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्टली लैंडमार्क केसेस पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस पढ़े हैं, उससे मेरा एक बहुत नॉलेज मेरी बूस्ट अप हुई है आंसर्स को डील करने के लिए। देन सर बेयरेक वाज़ दी बाइबल थ्रू आउट माय जर्नी ऑफ एपीयू और अदर देन दैट सर मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लॉ किया है तो आई हैड माय नोट्स फ्रॉम दैट पीरियड ओनली, तो वो नोट्स से मुझे बहुत हेल्प हुई है। आई डिड नॉट रिकमेंड दोज वास्ट बुक्स ऑफ बिग ऑथर्स, नहीं तो डीयू से एलएलबी भी तो कहीं ना कहीं क्योंकि रेगुलरिटी में क्लासेस नहीं तो उसका बड़ा फायदा मिला। यस सर, मेरे नोट्स उसी टाइम से बने हुए थे सर। अच्छा, वेरी गुड, मतलब इसका पूरा एडवांटेज आपको मिला। जी प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर भी एक मैसेज देना चाहूंगा आप लोगों को, यदि आप या आपके जानने वाले एलएलबी कर रहे हैं यदि वो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा आपके जब भी आप जुडिशियल प्रिपरेशन करेंगे या फिर एपीओ की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर वो मदद करती हैं चीज़ें, क्योंकि जनरली क्या है एडमिशन ले लेते हैं फिर कोचिंग में चले जाते हैं लेकिन यदि कॉलेज में आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं तो फिर शायद ही कोचिंग की इतनी जरूरत या बुकों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सौम्या जी, ये तो प्री का हमने जाना, मेंस का हम लोगों ने जाना, सबसे बड़ा है कि इंटरव्यू का कैसे रहा आपका? इंटरव्यू में आपने हमारे यहाँ भी मॉक दिया था, सो वो भी हम पब्लिश करेंगे आपका मॉक, एंड मुझे बताइए कि इंटरव्यू में क्या किस वो पूरे दिन के बाकी बताइए और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? जी सर, सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी था।
अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा पहले से डरी हुई थी, बट मैंने सर आपसे ही मॉक इंटरव्यू लिया था सर। टारगेट फॉर आईक्यू की टीम से मुझे बहुत गाइडेंस मिली थी और सर उसी से मैंने जाना कि हमारी इंटरव्यू में जो हमारी सक्सेस की की है दैट इज द कॉन्फिडेंस। एंड मैंने लास्ट मोमेंट तक अपने उस बैलेंस को मेंटेन रखा, मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। आइदर आई वॉज रॉन्ग और आई वॉज राइट, आई वॉज टोटली मेंटेनिंग माई बैलेंस थ्रू आउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जैसे कुछ क्वेश्चन अगर याद आ रहे हो तो सर मेनली उन्होंने हमसे लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पे ही फोकस रखा था, करंट इतना नहीं पूछा था, जीके बेस्ड नहीं था इंटरव्यू मेरा। सर क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर इसका एक सिलेबस है तो क्रिमिनल प्रोसीजर से मुझसे एंटीसिपेटरी बेल पर क्वेश्चन पूछा था। एंड सर उन्होंने मुझसे आईपीसी में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, आप क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं, ये पूछा था। जनरल ओपिनियन। यस सर। सर वुमेन, क्योंकि मुझे लगता है बीइंग अ वुमेन, उन्होंने मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और साथ ही उन्होंने कुछ मुझसे पॉक्सो रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे। यस सर। एंड सर व्हेन दे गॉट टू नो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, सो दे डाइवर्टेड देयर फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ जुडिशरी ऑल्सो, सो दे इंक्लूडेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ ऑल्सो, विच वॉज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ एपीओ। यस सर। सो दैट फ्रेंड्स आप लोग जान ही पा रहे होंगे कि एपीओ बनी है सोमिया जी, और एपीओ के सिलेबस में ना तो कॉन्ट्रैक्ट आता है ना फैमिली लॉ, इवन पॉक्सो भी नहीं आता है। परंतु आप लोग देखेंगे कि अब इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, ये काफी क्वेश्चंस आता है तो हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। वो अगर आप जनरल अवेयर हैं तो वो जरूर पूछेंगे आपसे। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आपके? सर उन्होंने मुझसे पूछा था कि उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी थी मुझसे, आईपीसी की कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी थी कि अगर मैरिटल रेप किन केसेस में होता है। दिस वाज द क्वेश्चन। आईपीसी प्रॉब्लम्स बेस्ड। जी सर। और उन्होंने पूछा था मुझसे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में थेफ्ट का केस होता है और वाइफ उस केस को बाद में वापस ले लेती है तो कोर्ट में वो अगर केस है तो उसका क्या होगा, और अगर जुडिशियल सेपरेशन में है दोनों और उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कोहैबिटेशन होता है, तो उनके बीच में चल रहा उस तलाक के केस का क्या होगा। इस तरह कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। तो इंटरव्यू ओवरऑल आपका अच्छा गया। जी सर। अच्छा, ऐसा कोई और मैसेज जो आप आने वाली जनरेशन या अपने प्यारे जो भी साथी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस एज वेल एज फेलियर्स को फेस किया है, बट उसके बाद भी मैंने ये हार नहीं मानी क्योंकि आई वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ एज द वे आई वॉन्टेड इट टू बी। एंड सर आफ्टर दिस सक्सेस आई कैन ट्रूली से कि विद ऑल हार्ड वर्क यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू। वेरी गुड। एंड ये तो आप लोगों ने सोम्या जी के बारे में जाना। सोम्या जी ऐसी कोई बात जो आप और भी बताना चाहती हैं, मीन्स आपके रोल मॉडल किन से या किन से आप इंस्पायर हो, ऐसी कुछ या कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी बात? जी सर। सर मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी विल पावर है, तो आपके नियर एंड डियर वंस भी आपको सपोर्ट करते हैं। और मेरी जर्नी में मेरा बिगेस्ट रोल मॉडल मेरी मदर रही हैं, जिन्होंने हर पल मुझे फोकस करने पर पुश किया और उन्हीं के विश्वास से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरे फादर ने सर विदाउट सेइंग उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प की, हमेशा सपोर्ट किया। एंड मेरे ब्रदर एंड सिस्टर ने भी मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। तो सर इस तरह से फैमिली का सपोर्ट एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट, और सर साथ ही देयर वर फ्यू टीचर्स ऑल्सो, तो जैसे लास्ट मिनट में आपकी गाइडेंस मिली उसी तरह। तो कुछ छोटे से पार्ट भी है तो लाइफ का फेस होता है। सफलता में तो मेरा मानना है कि हर किसी उस व्यक्ति का भी कंट्रीब्यूशन होता है जो आपको एग्जाम सेंटर पहुंचाने के लिए रिक्शे में बैठा के ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी है। जी सर। तो प्यारे साथियों मैं जो आपको बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम कोई क्रेडिट के लिए ये बातें नहीं कर रहे, परंतु सफलता में हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं ले बाय ले चीजें जुड़ी है किसी न किसी तरीके से, और सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स और ईश्वर की बातें होती है और आपकी खुद की मेहनत। सबसे ये कि आपके अंदर इच्छा शक्ति या खुद की मेहनत नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकते। सोम्या जी आप बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मुलाकात करके, उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी ये बात पसंद आएगी। एंड मैं अगेन आपको पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए मिले, आप हमें बुलाएं। सोम्या जी के मैं घर पे आया हूं यहां पर, एंड इन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके यहां पर बुलाया था
और अभी इन्होंने जुडिशरी मेंस भी दिया है, तो देखते हैं। इस पर से प्रार्थना है कि डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छी रैंक ये सिक्योर करें, ऐसी विश्वास और ऐसी उम्मीद के साथ जो है हम इस पर से प्रार्थना करते हैं कि डेफिनेटली अभी एपीओ बनी है और जल्दी से एपीओ की वैकेंसी खाली करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।